इस एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लूँगा, और यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम मैं रख रहा हूँ मोशन टाइटल, और जो रिजोल्यूशन है वो 1080 पिक्सल है, और फ्रेम रेट है 30 FPS। और सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्क्वायर शेप इस तरह से ऐड कर लूँगा, ओके। और इसके बाद मैं यहाँ पे कलर ऑप्शन में जाऊँगा और ग्रेडियंट कलर में यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। जो सबसे पहला कलर है वो मैं यहाँ पे स्काई ब्लू ले रहा हूँ, ओके। एंड जो दूसरा कलर है वो मैं यहाँ पे पिंक सिलेक्ट करूँगा। एंड उसके बाद इस ग्रेडियंट को मैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इस तरह से एडजस्ट कर लूँगा। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, ये देखिए। और ग्रेडियंट कलर को करने के बाद मैं इस स्क्वायर को एनिमेट करूँगा। तो सबसे पहले मैं टाइम लाइन में थोड़ा सा आगे जाके एक पॉइंट सिलेक्ट कर लूँगा, और यहाँ पे मैं पोजिशन प्रॉपर्टी का एक की फ्रेम ऐड करूँगा, और उसके बाद मैं टाइम लाइन के स्टार्टिंग में जाके दूसरा की फ्रेम इस तरह से ऐड कर लूँगा, और इसके पोजिशन को इस तरह से मॉडिफाई कर दूँगा, ये देखिए। फिर मैं सेकेंड की फ्रेम में जाके उसका भी पोजिशन राइट की तरफ इस तरह से मूव करूँगा, और यहाँ पे एक सिंपल सा एनिमेशन क्रिएट हो चुका है, ये देखिए। अब यहाँ पे इसको इजीएस्ट कर ले ताकि जो एनिमेशन हो और स्मूथ हो जाए। मोशन ब्लर यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, और यहाँ पे जो ट्यून प्रॉपर्टी है उसको हम लोग को मॉडिफाई करना है। तो सबसे पहले हम लोग जो की फ्रेम ऐड करेंगे वहाँ पे ट्यून 0 रखेंगे, और इसी तरह से लास्ट की फ्रेम में भी ट्यून को हम 0 रखेंगे, और बीच का जो की फ्रेम होगा वहाँ पे हम लोग ट्यून को इस तरह से इंक्रीज कर देंगे ताकि जो ब्लर हो वो 0 से इंक्रीज हो और फिर रिड्यूस होकर 0 तक पहुँचे। और उसके बाद मैं इन दोनों एनिमेशन को इजी ईज कर लूँगा ताकि जो ये एनिमेशन हो स्मूथ हो जाए, ओके। तो कोई भी एनिमेशन जब भी आप करोगे तो यहाँ पे इजी ईज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है ताकि आपका जो एनिमेशन होगा वो ज़्यादा प्रोफेशनल दिखेगा एंड ज़्यादा स्मूथ दिखेगा, ओके। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे रिपीट इफेक्ट ऐड करेंगे। एड इफेक्ट में जाके आप रिपीट में चले जाएं, ये देखिए, क्योंकि मैं यहाँ पे जो स्क्वायर होगा उसका एक ट्रेल क्रिएट करना चाहता हूँ, लेकिन लीनियर रिपीट का जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग को मॉडिफाई करना होगा अभी, ओके। सबसे पहले जो प्रॉपर्टी है वो है काउंट। तो फर्स्ट की फ्रेम में काउंट का वैल्यू हम लोग 1 रखेंगे, एंड उसके बाद जो बीच का की फ्रेम है उसमें हम लोग काउंट को इंक्रीज करेंगे, 4 करेंगे। एंड जो लास्ट की फ्रेम है उसमें हम लोग काउंट को फिर से रिड्यूस करके 1 कर देंगे, ताकि इनिशियली जो ट्रेल हो वो छोटा हो एंड उसके बाद ट्रेल इंक्रीज होके फिर 0 तक पहुंचे। और यहाँ पे आपको ऑफसेट प्रॉपर्टीज को भी थोड़ा चेंज करना है, ये देखिए कर लिया है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आप देख सकते हैं कि बॉक्स के बीच में थोड़ा सा ब्लैक स्पेस आ गया है जो कि खराब दिख रहा है, तो उसको रिड्यूस करना होगा, इसको रिमूव करना होगा। तो इसके लिए मैं लीनियर रिपीट का जो इफेक्ट है उसमें फिर से जाऊँगा, और यहाँ पे जो पोजिशन प्रॉपर्टी है उसको इस तरह से चेंज कर देंगे, देखिए जो बीच का गैप है वो रिमूव हो गया है, देख सकते हैं, ओके। और इस तरह का एनिमेशन क्रिएट हो चुका है, और लेकिन फिर भी हम लोग ट्रेल को थोड़ा सा और लंबा करना चाहते हैं, इसीलिए लीनियर रिपीट में जाके हम लोग ऑफसेट जो प्रॉपर्टी है उसको फिर से थोड़ा सा इस तरह से चेंज कर लेंगे, ये देखिए थोड़ा सा लंबा हो जाएगा इस तरह से इससे, और ये एक बहुत ही अच्छी एनिमेशन क्रिएट हो चुकी है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग को अपना टैग सेट करना होगा, मोशन डिज़ाइन। एंड इस टैग्स का प्रॉपर्टीज मतलब फॉन्ट साइज एंड कलर आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर लें। मैं यहाँ पे फॉन्ट का साइज 20 पॉइंट्स रख लूँगा एंड कलर वाइट सिलेक्ट कर रहा हूँ, ओके। तो ये देखिए इस तरह का एनिमेशन हो गया, लेकिन यहाँ पे जो बॉक्स का साइज है वो काफ़ी बड़ा है, तो इसीलिए इस शेप को हम लोग एडिट करेंगे और इसके हाइट को रिड्यूस कर देंगे ताकि ये टैग्स के साथ मैच करे। इस तरह का एनिमेशन क्रिएट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे जो टैक्स है उसको हम लोग को रिवील करना है, मतलब जब ये वाइफ हो टैक्स के ऊपर से तब हम लोग को टैक्स को रिवील करना है। तो इसके लिए हम एक शेप ऐड करेंगे यहाँ पे, और इसका कलर मैं चेंज करके ब्लैक कर दूंगा, और इसको मैं रिसाइज करूंगा, और रिसाइज करके जो हम लोग का टैक्स है मोशन डिजाइन उसको बिल्कुल कवर कर लूंगा इस तरह से। उसके बाद इस शेप के पोजिशन प्रॉपर्टीज को हम एनिमेट करेंगे कुछ इस तरह से ताकि जो टैक्स हो वो रिवील हो। ये देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे की फ्रेम ऐड कर लिया है, एंड उसके बाद ये देखिए टाइमलाइन में पीछे जाके हम लोग यहाँ पे दूसरा की फ्रेम ऐड करेंगे और हम लोग अपने टैक्स को रिवील करेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे जो स्क्वायर का एनिमेशन होगा उसके लिए आपको
जो पहला स्क्वायर है उसके एनिमेशन जो की फ्रेम है उसका रेफरेंस लेके आपको एनिमेट करना है, और उसके बाद इस एनिमेशन को हम लोग AGS कर लेंगे ताकि ये स्मूथ हो। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये रिवील इफेक्ट क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे हम लोग एनिमेशन को और स्मूथ बनाने के लिए इसके ओपोसिटी प्रॉपर्टी को इस तरह से एनिमेट कर लेंगे, देखिए, और उसके बाद हम लोग इस एनिमेशन को AGS कर लेंगे ताकि ये स्मूथ बन जाए। देखिए परफेक्ट, ये एनिमेशन क्रिएट हो चुका है। तो अभी इसी तरह से हम लोगों को दूसरा टेक्स्ट का जो एनिमेशन है वो भी क्रिएट करना है। इसके लिए मैं जो पहला स्क्वायर है उसको इस तरह से ग्रुप कर लूँगा ताकि इसको इजीली मैं मूव कर पाऊँ, और जो टेक्स्ट है उसका डुप्लीकेट लेयर मैं इस तरह से क्रिएट कर लूँगा, और एडिट में जाके मैं टेक्स्ट को एडिट कर लूँगा। ओके, और इसका भी मैं प्रॉपर्टीज चेंज कर लूँगा, फॉन्ट साइज एंड कलर। यहाँ पे मैं सेम फॉन्ट का यूज़ करूँगा लेकिन साइज जो है वो मैं इंक्रीज कर लूँगा इसका, और इस टेक्स्ट का साइज मैं रखूँगा 36 पॉइंट्स में, देखिए, और उसको इस तरह से पहले टेक्स्ट के नीचे इस तरह से प्लेस कर लूँगा। परफेक्ट, अभी ये दूसरे टेक्स्ट के ऊपर भी हमें ये जो वाइप एनिमेशन है उसको ऐड करना है। तो उसके लिए हम लोगों ने जो ग्रुप क्रिएट किया था उसका एक डुप्लीकेट लेयर हम क्रिएट कर लेंगे सबसे पहले, और इस नए लेयर को मैं इस तरह से प्लेस कर लूँगा मेरे दूसरे टेक्स्ट के नीचे, मतलब नो इन शॉर्ट जो टेक्स्ट है उसके नीचे इस तरह से प्लेस कर लूँगा। ये देखिए, तो कुछ इस तरह का एनिमेशन अभी हो गया है, लेकिन यहाँ पे दोनों वाइब आपको सेम दिख रहा है तो इसको मैं थोड़ा सा नीचे प्लेस कर दूंगा, और थोड़ा सा गैप क्रिएट करूँगा मैं यहाँ पे, तो टेक्स्ट को थोड़ा सा नीचे लाते हैं, और उसी तरह से जो वाइब एनिमेशन है उसको भी थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं। देखिए थोड़ा सा एक गैप क्रिएट करना होगा, और अभी आप देखेंगे कि कुछ इस तरह का एनिमेशन हो चुका है, लेकिन यहाँ पे दोनों जो वाइफ है वो सेम डायरेक्शन है लेकिन मुझे ऑपोजिट डायरेक्शन में लाना है। तो इसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और फ्लिप हॉरिजॉन्टली जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करूँगा। तो देखिए ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में एनिमेशन हो रहा है। ओके, और अभी फर्स्ट टेक्स्ट की तरह मैं सेकेंड टेक्स्ट को भी रिवील इफेक्ट दूंगा, और इसके लिए मैं एक स्क्वायर शेप इस तरह से ऐड करूँगा, एंड इस शेप को मैं इस तरह से मॉडिफाई करूँगा ताकि जो सेकेंड टेक्स्ट है उसको बिल्कुल कवर कर ले, और यहाँ पे मैं एडिट शेप में जाके उसके हाइट एंड जो विथ है उसको इस तरह से मॉडिफाई कर लूँगा, एंड इस स्क्वायर का जो कलर होगा वो मैं ब्लैक कर दूँगा। अभी पहले बॉक्स की तरह ही हम इसको एनिमेट करेंगे ताकि रिवील इफेक्ट क्रिएट हो। तो यहाँ पे मैं की फ्रेम ऐड करूँगा, और फिर टाइमलाइन में स्टार्टिंग में इस तरह से एक की फ्रेम ऐड करूँगा, ये देखिए, और फिर मैं यहाँ पे इस बॉक्स को इस तरह से ड्रैग कर लूँगा, ये देखिए, और इस एनिमेशन को मैं इजी यूज कर लूँगा। परफेक्ट, तो देखिए ये एनिमेशन क्रिएट हो चुका है। तो लगभग हमारा एनिमेशन क्रिएट हो चुका है, लेकिन यहाँ पे मैं जो नो इन शॉर्ट है उसका कलर चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे ग्रेडियंट ऑप्शन में जाऊँगा, वो फर्स्ट कलर है वो मैं सिलेक्ट करूँगा रेड, एंड जो सेकेंड कलर है वो मैं ब्लू सिलेक्ट करूँगा, एंड उसके बाद ग्रेडियंट को मैं इस तरह से एडजस्ट कर लूँगा। ये देखिए, इस हैंडल को इस तरह से ड्रैग करके आप एडजस्ट कर लें, एनिमेशन क्रिएट हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और इस वीडियो से आपको सीख पाए होंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, और मैं मिलता हूँ एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।